वेलकम फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 17th of August को हमने क्या ट्रेड किया, क्या हमें आज के दिन प्रॉफिट हुआ या फिर हमें लॉस हुआ, तो ये अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मार्केट देख सकते हो, यहाँ पे साइडवेज ओपन हो गया था, मतलब 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हुआ होगा। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही फर्स्ट कैंडल ओपन हो गई, फर्स्ट कैंडल वोलेटाइल कर गई, और जैसे ही फर्स्ट कैंडल के लो यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट हमें मिल गई, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक साइडवेज में फंस गया। और उसके बाद जैसे ही ये डे लो का ब्रेकआउट हो गया, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे एक मूवमेंट आ गई, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो साइडवेज करके साइडवेज टू बुलिश में यहाँ पे फंस गया। तो ऐसा मार्केट चला था। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या किया है। तो सबसे पहले हम लोग यम स्टॉक ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही हम स्टॉक ओपन करेंगे मैं आप लोगों को साइकोलॉजी और ट्रेड लेने के रीज़न और पोजीशंस ऑर्डर बुक दोनों दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑर्डर्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 6 ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड है, इसका मतलब हमने थ्री ट्रेड्स ले ली है। तो चलिए देखते हैं हमने थ्री ट्रेड्स कौन कौन से लिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 925 को हमने यहाँ पे निफ्टी का 19,450 का कॉल यहाँ पे ले लिया था, और यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे हमें तगड़ा लॉस हो गया, क्योंकि क्या हो गया था, मैं पुट लेने वाला था लेकिन गलती से यहाँ पे कॉल ले ली, और यहाँ पे ये फर्स्ट में यहाँ पे हमें लॉस हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल कितना लॉस हो गया था फर्स्ट वाली ट्रेड में, यहाँ पे देख सकते हो 322 का यहाँ पे हमें लॉस हो गया था, लगभग यहाँ पे 15-20% का यहाँ पे हमें फर्स्ट ही ट्रेड में लॉस हो गया, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिकवर कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं पुट ही लेने वाला था लेकिन गलती से यहाँ पे कॉल लिया, और मैं देख रहा था कि प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा, लॉस ही क्यों बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट तो मेरी डायरेक्शन में ही जा रहा है। तब मैंने यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे कॉल ले लिया था, और यहाँ पे जब मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट की थी तब यहाँ पे एम स्टॉक लैग हो गया था, मतलब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट दिखा नहीं रहा था यहाँ ओपन पोजिशंस में, सिर्फ यहाँ पे नो क्रिएट पोजीशंस करके जैसे आता है आपको पता ही होगा, यहाँ पे क्रिएट पोजीशंस करके आ रहा था, और उसके बाद यहाँ पे ये ऑर्डर देख ली, और नहीं तो मैं जैसे मुझे पता चलता कि कॉल लिया है तो मैं कॉल वाली पोजीशंस स्क्वेयर ऑफ करके यहाँ पे पुट वाली पोजीशंस बना था, लेकिन उतने में यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था, और ये प्रीमियम ये मतलब जो MTM है टोटल प्लस में दिखा रहा था, कभी माइनस में दिखा रहा था, और मार्केट मेरी डायरेक्शन में चल रहा था, और लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे लॉस बढ़ रहा था, तो मुझे लगा इनका बग होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पुट की जगह पे कॉल की एंट्री ली थी, तो इसलिए यहाँ पे ये बड़ा लॉस हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हमने उसे रिकवर भी कर लिया। तो ऐसी गलती आप मत करना कि पुट जब लेना होगा तो हमें पुट ही लेना है, और कॉल जब लेना है तो हमें कॉल ही लेना है। तो यहाँ पे ऐसा मेरे साथ, मतलब ये मेरी गलती हो गई, मिस्टेक नहीं बोल सकते, मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे हमने जल्दबाजी में यहाँ पे पुट की जगह हमने कॉल ले लिया है, तो ये हमारी आज गलती थी या फिर मिस्टेक बोल सकते हो आप उसे। तो अगर आपको ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग के ऊपर साइकोलॉजी जानी होगी, और लाइव ट्रेडिंग की पीछे की साइकोलॉजी और जो भी हमने ट्रेड किया है वो आपको डेली PNL और पोजीशंस और ऑर्डर बुक देखनी होगी, तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।